नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा आके आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के इस 5 मिनट स्टोरी पर। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया, घर का जो मुखिया है वो मुख के समान होता है, हमारे मुख के समान होता है। जैसे हमारा मुख खाना खाता है और हमारे पूरे पेट को हमारे पूरे शरीर को चलाता है, उसी तरह से जो घर का मुखिया होता है वो एक व्यक्ति काम करता है और पूरे हमारे परिवार को सींचता है, चलाता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उनका ध्यान रखता है। तो हमारा घर का जो मुखिया होता है वो मुख की तरह होता है। तुलसीदास जी ने ऐसा बात कही। तो आज एक घर के मुखिया की कहानी आपको सुनाती हूँ। उसमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे को आपको पढ़कर सुनानी होंगी। किसने कहानी भेजी है, बड़ी मज़ेदार है और आपकी और मेरी ज़िंदगी के आँखों के तारे खोल देगी, मेरे तो कम से कम खोल दिए। और कुछ बातों को लेकर अगर मुझे अपने ऊपर थोड़ा भी अहम था, जो कि बिल्कुल नहीं है, जो थोड़ा भी था, बाप रे बाप, कानों को हाथ लगाकर वो भी आज खत्म हो गया इस कहानी के बाद। पता है क्या है कहानी? सो बहुत समय पहले की एक बात है, एक घर का व्यक्ति था, वो बड़ा चिड़चिड़ा और चिंता में रहा करता था। उसकी चिंता ये थी कि उसको ऐसा लगता था कि सारे घर का बोझ मैं उठाता हूँ, सारे परिवार का काम मैं करता हूँ, जिससे उसका उसमें हमेशा एक तनाव, एक चिड़चिड़ापन रहता था। वो अपनी पत्नी से अच्छे से बात नहीं करता था, सारा दिन सबके पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैं उठाऊँ, सबके खर्चे मैं उठाऊँ, इसी बात को लेकर उसके अंदर चिंता रहती थी। किसी ना किसी रिश्तेदार का घर में आना होता रहता है, किसी ना किसी पड़ोसी का आना होता रहता है, कभी इसकी शादी में जाओ, कभी उसकी शादी में जाओ, रिश्तेदारों का भी सारा बोझ मैं ही उठाऊँ, सारी जिम्मेदारी मैं ही लूँ। उसके मन में हमेशा ये विपता रहती थी और इस वजह से वो तनाव में रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी आज मुझे स्कूल से होमवर्क मिला है, क्या आप प्लीज़ मेरे साथ होमवर्क करवा सकते हो? उसके हाथ में एक कॉपी थी, वो इतने ज़्यादा तनाव में था कि उसने अपने बेटे को डांटा और बोला, भाग जाए यहाँ से। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ, बच्चा भी भाग गया, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने बेटे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो क्या करने आया था? यही तो कह रहा था कि पापा मेरा होमवर्क करवा दो। और वो गया तो बच्चा सो रहा था और बच्चे के हाथ में कॉपी थी। तो उसने देखा, उसने उसकी कॉपी को उठाया, कॉपी के अंदर एक टाइटल था, होमवर्क मिला था। टाइटल था वो चीज़ें जो हमेशा शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था और बच्चे ने बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखा था। और बच्चे ने जो पैराग्राफ लिखा था वो बच्चे ने नहीं, आपके और मेरे जीवन पर बहुत आधारित है, हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देता है। क्या वो पैराग्राफ जानना चाहते हैं? तो सुनिए। मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम बहुत ध्यान से देता हूँ क्योंकि शुरू में तो मैं ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन बाद में फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, जो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे कोई काम लिखने तो जो शुरू में तो अच्छे नहीं लगते लेकिन उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाई बहुत धन्यवाद कर खाता हूँ क्योंकि वो शुरू में तो कड़वी होती है लेकिन वो मेरी बीमारी को दूर कर देती है। मैं सुबह सुबह जागने पर अलार्म घड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो मुझे सुबह जगाती है और इस बात का एहसास दिलाती है कि मैं जिंदा हूँ। मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, क्योंकि मेरे माता पिता, भले ही मेरे पापा गुस्से में रहते हैं काम की वजह से, तनाव की वजह से, लेकिन जब वो मुझे गुस्सा करते हैं तो उसके बाद वो मुझे आइसक्रीम खिलाते हैं और वो गुस्से की वजह से ही मुझे आइसक्रीम मिलती है। तो जीवन के अंदर उसके पिता ने जब ये सब कुछ पढ़ा कि उसका बेटा इतनी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है, मेरी डांट में भी वो कुछ अच्छी चीज़ें सोच रहा है, तो मैं अपनी ज़िंदगी का जो एक नज़रिया है उसे बदल कर देखूँ। और देखिए उसने अपनी जिंदगी के नजरिए को कैसे बदला। उसका पहला सवाल, मुझे घर का खर्चा उठाना पड़ता है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास घर है। ईश्वर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे पास घर है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, मेरा परिवार, मेरे बीबी बच्चे, ईश्वर की कृपा, बहुत ज्यादा खुश नसीब इंसान हूं कि मेरा परिवार है, बीबी है, बच्चे है। मेरा कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार घर आता रहता है, पर कोई तो है जो मेरे मरने के बाद मुझे 4 कंधे देगा, मतलब मेरे 4 रिश्तेदार तो हैं। मैं बहुत ज्यादा आय भरता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कर भरता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भरता हूँ, इसका मतलब ये कि मेरी इनकम तो है। उन लोगों का सोचो जिनकी इनकम ही नहीं है, मतलब उस आदमी ने भी सब नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढ लिया और उसके रिजल्ट्स उसे 100% मिले। एक छोटे से बच्चे के ऐसे ने पिता की सोच को बदल दिया। तो भगवान का हर वक्त, हर कदम, हर टाइम शुक्रिया अदा कीजिए और आपके पास जो चीज़ें हैं उस नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। नज़रिया बदल कर देखिए, ज़िंदगी बदल देगी, जैसे पिता का नज़रिया एक बच्चे ने बदला। कौन कहता है कि हमें बच्चे कुछ नहीं सिखाते, बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। है ना मज़ेदार कहानी? कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जय माता।